एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 1 वाई इज इक्वल टू 3 रिप्रेजेंट इट जियोमेट्रिकली इन वन वेरिएबल एंड टू वेरिएबल। जियोमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है वन वेरिएबल में वाई इक्वल टू 3 को, तो वाई इक्वल टू 3 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वन वेरिएबल में। अगर वेरिएबल एक ही है तो हम एक नंबर लाइन बनाएंगे, पहले लिखेंगे बीच में 0 और 0 के राइट में 1, 2, 3, 4 और लेफ्ट में -1, -2। नंबर लाइन पर जो 3 होगा ये रिप्रेजेंट करता है वाई इक्वल टू 3 को। सेकंड पार्ट इन टू वेरिएबल में, अब वाई इक्वल टू 3 इसमें सेकंड वेरिएबल क्या होगा एक्स, इसमें एक्स नहीं है तो क्या लिखेंगे इसको वाई इज इक्वल टू 3 + 0x। टेबल बनाएंगे हम, पहले लिखेंगे एक्स फिर वाई, और इसमें ध्यान रखेंगे कि x की ही वैल्यू पुट करनी है क्योंकि x को 0 मल्टीप्लाई कर रहा है, इसमें y की वैल्यू पुट नहीं करेंगे ध्यान रखेंगे क्योंकि x को 0 मल्टीप्लाई कर रहा है। तो x की वैल्यू 1 पुट की तो y की वैल्यू आ गई 3, फिर x की वैल्यू 3 पुट करेंगे, 0 इंटू 3 0 ही होता है, 0 में फिर 3 ऐड करोगे तो 3 ही आएगा। उसके बाद फिर x की जगह हमने 5 पुट कर दिया, कुछ भी पुट कर सकते हैं बट x की वैल्यू ही पुट करनी है, तो 0 × 5 0 ही हो जाना है क्योंकि x कुछ भी पुट करो क्योंकि x के साथ 0 है उसने 0 हो जाना है, 0 + 3 3 तो वाई इक्वल टू 3 ही आएगा चाहे आप x की कोई भी वैल्यू पुट कर लो क्योंकि x को 0 मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब हम एक ग्राफ पेपर ले लेंगे, उस पर x और y एक्सिस ड्रॉ करेंगे, बीच में ओरिजन O, लेफ्ट साइड में -1, -2, राइट में +1, +2, +3, वाई एक्सिस में ऊपर की तरफ 1, 2, 3, 4 और नीचे की तरफ -1, -2 इक्वल डिस्टेंस पर लिख देंगे। उसके बाद एक्स एक्सिस पर 1 देखो और वाई पर 3 देखो, 1 से सीधे चलेंगे और 3 के बिल्कुल सामने डॉट लगाएंगे, सर्कल लगाएंगे, ब्रैकेट में लिख देंगे 1, 3। उसके बाद 3, 3 एक्स इज इक्वल टू 3 से सीधे चलेंगे और वाई इक्वल टू 3 के सामने डॉट लगाएंगे, सर्कल लगाएंगे, ब्रैकेट में लिख देंगे 3, 3। उसके बाद एक्स पर 5 और वाई पर 3, तो 5 से सीधे चलेंगे और 3 के सामने डॉट, ब्रैकेट में आ जाएगा 5, 3। तीनों डॉट्स को आपस में मिला देंगे तो हमको ये जो लाइन मिली वाई इक्वल टू 3, ये जो है किसको रिप्रेजेंट करती है, ये वाई इक्वल टू 3.2 वेरिएबल में शो करती है। तो y इक्वल टू 3 का ग्राफ कैसा है, x एक्सिस के पैरेलल है, इसमें क्योंकि x नहीं है तो x के पैरेलल, अगर x इक्वल टू 3 होता तो y के पैरेलल आता। अब आते हैं क्वेश्चन 2, 2x + 9 = 0, 2x = -9, x = -9/2, x = -4.5। पहले तो इस इक्वेशन को हमको वन वेरिएबल में शो करना है, तो x इक्वल टू क्या -4.5, नंबर लाइन बनाएंगे, 0 के राइट में +1, +2, लेफ्ट में -1, -2, -3, -4 और -5, -4 और 5 के बीच में पॉइंट लगाएंगे, सर्कल लगा देंगे, ये है x इक्वल टू -4.5। इन टू वेरिएबल में कैसे शो करेंगे, इस इक्वेशन को हम x इक्वल टू -4.5 भी ले सकते हैं, इसको टू वेरिएबल में कैसे लिखोगे, x इज इक्वल टू -4.5 + 0y, क्योंकि इसमें वेरिएबल y नहीं है तो +0y लिख दिया, तो टेबल बनाएंगे x y लिखेंगे। अब की बार ध्यान रखेंगे क्योंकि y को 0 मल्टीप्लाई कर रहा है तो y की ही वैल्यू पुट करनी है, इसमें x की पुट नहीं करनी, किसी भी हालत में पुट नहीं करनी, तो y की वैल्यू हम पुट करेंगे 0, तो x क्या आएगा -4.5 ही आएगा क्योंकि 0 × 0 = 0 होता है, 0 और -4.5 -4.5। फिर हम y की वैल्यू 2 पुट करेंगे, y की वैल्यू 2 पुट करेंगे, 2 × 0 = 0 हो गया, 0 और -4.5 -4.5 ही आ जाएगी x की वैल्यू। फिर y की वैल्यू 4 पुट करेंगे, 0 × 4 = 0, तो x की वैल्यू आ गई -4.5। अब हम ग्राफ पेपर पर x और y एक्सिस ड्रॉ करने के बाद इक्वल डिस्टेंस पर 1, 2, 3, -1, -2, -3, y एक्सिस पर 1, 2, 3 और y डैश पर -1, -2, -3 लिखने के बाद x एक्सिस पर -4.5 ढूंढेंगे और यहाँ पॉइंट लगाएंगे, सर्कल लगाएंगे, क्योंकि -4.5, 0 ये जो है इसमें y कोऑर्डिनेट 0 x एक्सिस पर होता है, तो ये पॉइंट मिलेगा x एक्सिस पर,
उसके बाद हम x एक्सिस पर माइनस 4.5 और y पर 2 फाइंड करो। तो माइनस 4.5 से चलो और 2 के बिल्कुल सामने पॉइंट लगा के सर्कल लगा के लिख देंगे माइनस 4.5, 2। माइनस 4.5, 4। तो माइनस 4.5 से 5 से सीधा चलेंगे और 4 के सामने डॉट लगाएंगे, सर्कल लगा देंगे और ब्रैकेट में लिख देंगे माइनस 4.5, 4 लिखेंगे। वैसे तो अगर आप 5 भी पुट करो तो भी 0 ही आएगा। तीनों पॉइंटों को मिला दें तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी। तो इसमें क्या है, इसमें देखो आपको y दिखाई नहीं दे रहा है, तो अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो y एक्सिस के पैरेलल होगा। अगर हमको y दिखाई नहीं दे रहा तो y एक्सिस के पैरेलल बनेगा ग्राफ। और अगर इसमें, अगर यहाँ मैं 2x+9 की जगह 2y+9 कर दूँ तो ग्राफ किसके पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि फिर x नहीं दिख रहा होगा, फिर वो x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। अब हमको जो है ये जो चैप्टर 4 के लास्ट में समरी है, समरी को भी ध्यान से पढ़ना है, 1 मार्क के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax+by+c=0। ए बी सी क्या है, दीज आर रियल नंबर्स एंड, और ये जो a और b है बोथ आर नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसको याद कर लेंगे ध्यान से, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के कितने सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। याद कर लेंगे, 1 मार्क वाले क्वेश्चन में आ सकता है। द ग्राफ ऑफ एवरी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इसका ग्राफ कैसे होता है, हमेशा ऑलवेज ए स्ट्रेट लाइन। 4th पॉइंट, x इक्वल टू ज़ीरो, ये जो इक्वेशन है ये कौन से एक्सिस पर हो सकती है, x इक्वल टू ज़ीरो, ये y एक्सिस को हम कहते हैं x इक्वल टू ज़ीरो। जैसे ये जो y एक्सिस है इसको हम x इक्वल टू ज़ीरो कहेंगे, y एक्सिस को हम क्या कहेंगे, x इक्वल टू ज़ीरो, और x एक्सिस को कहते हैं हम y इक्वल टू ज़ीरो। तो यही इसमें बताया गया है कि x इक्वल टू ज़ीरो कौन से एक्सिस की इक्वेशन है, या y एक्सिस कौन सी इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है x इक्वल टू ज़ीरो को, और x एक्सिस कौन सी इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है y इक्वल टू ज़ीरो को, यानी कि x एक्सिस पर y इक्वल टू ज़ीरो और y एक्सिस पर x इक्वल टू ज़ीरो, इनको लर्न कर लेंगे, एग्जाम में आ सकता है। ग्राफ ऑफ x इक्वल टू a कैसा होता है, x इक्वल टू a टाइप का ग्राफ है। अब इसमें y नहीं है ना, तो ये y के पैरेलल होगा और स्ट्रेट लाइन तो होगा ही, तो x इक्वल टू a का ग्राफ कैसा होगा, तो आप एग्जाम में लिखेंगे स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। क्वेश्चन नंबर 6, y इक्वल टू a टाइप का ग्राफ कैसा होगा अगर एग्जाम में आता है, तो अब इसमें x नहीं दिख रहा, स्ट्रेट लाइन होगा और पैरेलल टू x एक्सिस होगा। अगर x नहीं दिख रहा तो x एक्सिस के पैरेलल होगा, स्ट्रेट लाइन में ज़रूर लिखना। क्वेश्चन नंबर 7, y इज इक्वल टू एम एक्स, ये जो इक्वेशन है कहाँ से पास हो गई है, y इज इक्वल टू एम एक्स रिप्रेजेंट्स ए लाइन पासिंग थ्रू ओरिजन। अगर इस टाइप की कोई इक्वेशन है y इज इक्वल टू एम एक्स, तो वो पासिंग थ्रू ओरिजन, वो ओरिजन से पास होगी। इस टाइप की कौन सी इक्वेशन होती है, जैसे वर्कडन का फार्मूला क्या था, फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो वर्कडन को हमने 5 माना था, y माना था, और फोर्स की जगह 5 लिखा था, डिस्टेंस ये लास्ट एक्सरसाइज में डिस्टेंस की जगह x, तो ये है y इज इक्वल टू एम एक्स टाइप इक्वेशन। और एक एग्जांपल में आपका क्वेश्चन है, फोर्स किसके इक्वल होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन के। फोर्स को हम y एक्सिस पे ले लेंगे, मास कॉन्स्टेंट होता है, एक्सेलरेशन को हम x मान लेंगे। तो ये भी किस टाइप का ग्राफ है, किस टाइप की इक्वेशन है, ये है वाई इज इक्वल टू एम एक्स टाइप इक्वेशन। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इस टाइप का इक्वेशन का ग्राफ, y इज इक्वल टू एम एक्स टाइप ग्राफ रिप्रेजेंट अ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजन, वो हमेशा ओरिजन से पास होगा। 8th, एवरी पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इज ए सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट हैं वो उस इक्वेशन का सॉल्यूशन होते हैं जिसका वो ग्राफ है। मोर ओवर एवरी सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इज ए पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन। और ये लाइन पिछले वाली लाइन का कन्वर्स है। लीनियर इक्वेशन के जितने भी सॉल्यूशन हैं, आपको पता ही इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं, तो वो जो सॉल्यूशन होते हैं वो ग्राफ के ऊपर पॉइंट होते हैं, इज ए पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन।
तो इन 8 पॉइंट्स को आप अच्छी तरह से लर्न कर लेंगे।